तो भाई देख सकते हो ये जो लेक है पूरी की पूरी जम चुकी है, मैं इस पे वॉक भी कर सकता हूँ। ये इतना शार्प है ना, हाथ भी कट सकता है। वेलकम टू हेवन। ये देखो भाई क्रैक हो रहा है। उठने की वजह से आँख मेरा जल रहा है। सो एनीवे अभी हम जा रहे हैं ब्लैक कैनियन की तरफ, और फॉग इतना ज़्यादा है कि देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे आई डोंट नो। जैसे कि आप देख सकते हो फॉग बहुत ज़्यादा है। И напротив как раз таки есть доты. Доты это долговременные огневые точки. То есть, но к счастью войны не было и эти доты не пригодились. В те времена, знаете, это динамит. Вот этот поселок захватили и тем самым So basically, ये ब्लैक कैनियन है, फॉग की वजह से ये कैनियन दिख नहीं रहा है, और नीचे एक रिवर है, वो है चारिन रिवर, देख सकते हो वो है चारिन रिवर। बॉर्डर चाइना, बिहाइंड चाइना। ओके, सो उस तरफ जो है ना वो उस तरफ चाइना है। चाइना इतना बड़ा है ना, मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ से उसका जो बाउंड्री है वो चाइना से मिलता ही है। वियतनाम जाओ वहाँ से चाइना मिलता है, लाओस जाओ वहाँ से चाइना मिलता है, अरुणाचल प्रदेश जाओ वहाँ से चाइना मिलता है, लद्दाख की तरफ जाओ वहाँ से चाइना मिलता है, कहीं भी जाओ यार चाइना इतना ज़्यादा बड़ा है। रसिया जाओ वहाँ से चाइना मिलता है, इतना ज़्यादा बड़ा है चाइना। मैक्सिमम जिस भी कंट्री में मैं अभी तक गया हूँ सबका पता चला है कि वहाँ से चाइना का बॉर्डर मिलता है, उस पार चाइना है, उस पार चाइना है। यार बस करो, कितना अपने आप को प्रोपोगेट करोगे, शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो चाइना वालों। क्या मस्त बैलेंस किया है भाई। Добраться туда нужно пройти 2.5 километра. У вас есть два пути. Первое, можно пройти пешком, но видите, подъем тяжелый. И второй, вы сюда имею син батата у меня по син кя чал рэ. हम जिस गाड़ी से आए थे ना, जिस वैन से आए थे, वो एक प्लेस पे वो वहाँ पे रुक गई थी, और वहाँ के बाद से ना मतलब पहाड़ थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी, दैट्स वाई उसके बाद हमने ये कार चेंज कर ली, कार है या जो भी है, डब्बा है जो भी हो। सो इस वाले में हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ से ना सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था कैनियन, जैसे कि कैनियन मैंने आपको दिखाया बट फॉग की वजह से कैनियन हम देख नहीं पाए, बट उसके बाद हमारा यहाँ सबसे जो पहला पॉइंट है ना वो है कैंडी लेक। और हम जिस पॉइंट पे है ना कैंडी लेक यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के आसपास में है। सो 2.5 किलोमीटर आना और 2.5 किलोमीटर जाना। तो आप घोड़ा का राइड करके भी जा सकते हैं, घोड़े का राइड का कॉस्ट भी मैं बता देता हूँ कितना है, वो है 5000 टेंगे। इट मीन्स हमारे इंडिया का ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास में। सो हमने डिसाइड किया 2.5 किलोमीटर ही है, तो हम वॉक करेंगे, वॉक करके आएंगे और जाएंगे। और फिलहाल हो रहा है 10:45 यानी 10:45, और हमारे पास टाइम है 2 घंटे। सो ये हमें 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, 2 घंटे में हमें वापस आना है कैंडी लेक का दर्शन करके। सो जो चढ़ाई है ना वो चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो सो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो हमें ये घोड़ा लेना होगा, घोड़ा का राइड करके जाना होगा ऊपर। एक घोड़ा के साथ एक इंस्ट्रक्टर रहेगा, उसका ड्राइवर रहेगा। स्टीयरिंग पकड़ ले। डोंट टच टेंशन।
अल्ताफ राजा विक्की अरे उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए था और वही तो मैं बोल रहा था बस ठीक है फाइन एक एक्सपीरियंस होगा और क्या पापा दी से परिश की आए वितुस तू कैसे चुचू हमने पहले डिसाइड किया था कि 2.5 किलोमीटर हम वो ट्रैक करके ही चले जाएंगे बट वो ऐसे हम लोगों को डराए कि नहीं नहीं जा पाओगे वो ऐसा वैसा है सीन बन जाएगा तो फिर हम लोगों ने वो घोड़े का राइड ले लिया बट मैं मेरा सजेस्ट है आपसे कि अगर आप अगर आपको आना है तो ये घोड़ा का राइड बिल्कुल मत लीजिए आप बिल्कुल पैदल आ सकते हो आपको हार्डली 15 मिनट लगेगा सो ये बस थोड़ा ही दूर हम चले उसका बस इन्होंने चार्ज किया 5000 टंगे यानी 1000 रुपये के आसपास में भाई चूतिया कट गया अपना वॉक करके आ सकते थे मेरे साथ चलते हैं ना सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंडी लेक सो मैं कैंडी लेक का पहला झलक आपको दिखाता हूँ वेलकम टू हेवन क्या लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है भाई भाई ये लेक पूरी की पूरी जम चुकी है ये देखो पानी भी खेल रहा हूँ रखू मैं रखू ना तू हम तू मत भागे तेरा सही है तोड़ 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 तोड़ने से कुछ बोलेगा नहीं मैं क्या बोलेगा ए यहाँ पानी धीरे ये देखो भाई क्रैक हो रहा है ये फर्नीचर मछली दिखाई दे रही है तो भाई देख सकते हो ये जो लेक है पूरी की पूरी जम चुकी है मैं इस पे वॉक भी कर सकता हूँ बट वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्या पता मैं पांव रखा हुआ मेरे बॉडी वेट से पूरा अंदर चला जाए एक सी बहुत ज्यादा वो भाई पानी उधर फ्लो हो रहा है सुनना ये तो भाई ग्लास की तरह कट जाएगा हाथ इससे अरे बाप रे बाप पकड़ा ही नहीं रहे ये ग्लास है या बर्फ है पता ही नहीं चल रहा है देख देखेंगे हम ऐसे ओ ये देखो भाई ये भाई हाथ वो कट जाएगा हाथ कट जाएगा भाई बोल रहे तो हाथ कट जाएगा इधर वही जगह से सो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ इस टूर के लिए हम लोगों ने कितना रुपए पे किया मतलब कितना टेंगे कजाकिस्तान में टेंगे चलता है तो भाई इस टूर के लिए ना हम लोगों ने 12,000 टेंगे पे किया 12,000 टेंगे मतलब पर हेड हम लोगों का कितना पड़ता है भाई पर हेड इट्स डिवाइड बाय 5 तो 2200 रुपए के आसपास में तो 2200 रुपए के आसपास में पर पर्सन पड़ता है जिसमें कुछ भी ना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं रहता बस तीन ही चीज इंक्लूड रहता है वो पिकअप ड्रॉप भी नहीं करेंगे आपके आप जिस होटल में रहते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो ना वहाँ से आपको पिकअप ड्रॉप भी नहीं करेंगे वो आपको एक लोकेशन भेज देंगे वहाँ पे आपको पहुँचना होगा
और ये जो टूर है नॉर्मली बहुत सारा जो टूर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है, लंच भी इंक्लूड रहता है, पानी का बॉटल रहता है, बट इस टूर में कोई भी ना पानी का बॉटल है ना ब्रेकफास्ट है ना कुछ है। सो दैट्स वाई ये देखिए हम अपना व्यवस्था खुद ले आए हैं। अरे ये इतना शार्प है ना हाथ भी कट सकता है। सो ये थी कैंडी लेक, अब हम जाएंगे कोलसाई लेक। आई थिंक कोलसाई लेक इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो खूबसूरत है ही, कोलसाई लेक और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो लेट्स गो, अब चलते हैं कोलसाई लेक की ओर। भाई ये जो सीन है ना ऐसा हॉलीवुड मूवीज में हम देखा करते थे, पाइन ट्रीज और नीचे बर्फ है। ये देखो भाई गेम ऑफ थ्रोन का प्लेस है। ए मेरा जैकेट किसके पास है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी हॉलीवुड वाली सीन लग रही है भाई। यहाँ कजाकिस्तान में ना, कजाकिस्तान और रसिया में ना मिठुन चक्रवर्ती बड़ा फेमस है यार। सो भाई आज हम अपने दिन के सबसे आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं। ये जो हमारा आखिरी पॉइंट है ना, इस आखिरी पॉइंट का नाम है खोलसाई लेक। खोलसाई लेक अगर अंग्रेजों जैसा बोले तो कैसा प्रोनाउंसिएशन होगा? खोलसाई लेक। चार लोगों का ये है, चार लोगों का बोटिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा 5000 टेंगे, 5000 टेंगे आपको पे करना पड़ेगा, जो अपने इंडियन का ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास में पड़ता है। वर्थ है क्योंकि कर सकते हैं, सीन काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर ड्रोन शॉट रहे तो और भी काफ़ी अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिल सकता है भाई। लाइफ जैकेट वैकेट कुछ नहीं है, पैसा पहले आप। गलगडोट हबीबी कम टू इंडिया। मिट्टी या निफ्टी? मिट्टी नहीं भी निफ्टी। अच्छा हमारी बोटिंग कंप्लीट हो जाती है और ये लाइफ जैकेट वापस। सो भाई ये वीडियो था कैंडी लेक का, ये वीडियो था कोलसाई लेक का और कैनियन का, ग्रैंड कैनियन तो नहीं बट वो ब्लैक कैनियन का जरूर था। सो वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करता हूँ और इस कजाकिस्तान अलमाती के ऊपर मैंने और भी वीडियोज़ बनाए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते एक नए से व्लॉग में, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सो मिलते एक नए से व्लॉग में। सो गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।